तो राम की पैड़ी पर इस वक्त हम हैं। अब जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा अंधकार होगा, यानी जब दोनों वक्त मिलेंगे, तो यहाँ बहुत ही खूबसूरत लाइटिंग होती है, तो ऐसा लगता है मानो त्रेता युग आ गया हो। जगतगुरु धराचार्य जी, आपसे एक सवाल मुझे पूछना था। देखिए, भगवान ने ऐसा संयोग बनाया कि अब राम मंदिर भव्य रूप ले रहा है और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, लेकिन ये ऐसे तो संभव नहीं हुआ। कितने सारे कार सेवकों ने अपने प्राणों की आहुति दी, बहुत सारे लोग इससे जुड़े, साधु संत महंत आप लोग जुड़े, तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने संकल्प लिया था काशी कॉरिडोर जिस तरह से भव्य रूप में बना, और अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। हमने एक तस्वीर देखी थी, बहुत ही खूबसूरत सुंदर तस्वीर थी प्रधानमंत्री की, मकर संक्रांति के दिन छोटी गैया को वो दुलार रहे थे, प्यार कर रहे थे, तो क्या कहीं ना कहीं अब मथुरा का भी संदेश मिल रहा है? बिल्कुल, भगवान भी जो 100% समर्पित होता है धर्म के प्रति, सत्य के प्रति, न्याय के प्रति, भगवान के प्रति, उसी को भगवान निमित्त बनाते हैं। अर्जुन को ही भगवान ने निमित्त बनाया, दूसरे को नहीं बनाया। निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन। इसलिए हमारे प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी हों, हमारे देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी हों, निश्चित गौ माँ के प्रति, राष्ट्र के प्रति, सनातन धर्म के प्रति, अपने भारतीय संस्कृति के प्रति, मानवता के प्रति बहुत अंतस्तल से सुदृढ़ हैं, समर्पित हैं। इसलिए परमात्मा ने इनको निमित्त बनाया है। और हम तो प्रत्यक्ष देखे, जब महाराज जी के यहाँ गोरखपुर में 3 बार कथा हमने किया, तो प्रातःकाल उठकर 5 बजे गौओं को अपने हाथ से महाराज जी खिलाते थे। जब प्रथम बार मुख्यमंत्री बने तो मिलने के लग गए, हमने कहा महाराज जी गौ माँ की बहुत बड़ी कृपा है आप पर। बोले हाँ, गौ माँ की बड़ी याद आती है हमें वहाँ लखनऊ में रहते हुए। तो ये भगवान के सब स्वरूप हैं, माने शरीर माने गए हैं। हमारे शास्त्रों में कहा है, गावः विप्रश्च वेदाश्च तपः सत्यं दमः श्रमः। ये सब भगवान के तनु माने शरीर माने गए हैं, तो इनके प्रति अगर श्रद्धा है तभी भगवान ने इनको निमित्त बनाया। और कितने साधु संत महापुरुषों ने, हमारे स्वयं असरभी मौन पीठ में हमारे पूज्य जगदाचार्य पूज्य श्री मधुसूदनाचार्य जी महाराज ने, राम राज्य परिषद के उपाध्यक्ष थे, फिर हमारे दूसरी पीढ़ी में पूज्य महाराज जी जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी जी श्री माधवाचार्य जी ने पूरा जीवन समर्पण किया श्री राम मंदिर के। रत्नेश जी, यहाँ तो इतनी अच्छी अच्छी बातें हो रही है, किस तरह से ये शुभ कार्य होता चला गया, लेकिन दूसरी तरफ आप कुछ कहना चाह रहे थे कि वो जो 22 तारीख को लेकर के अनुष्ठान के लिए वो सही तिथि नहीं है। जब इस तरह की आवाजें उठती है तो दिल दुखता है, मन दुखता है। जी जी बिल्कुल, और बिल्कुल सही प्रश्न आपने उस समय उठाया था, और ये उठ भी रहा है और होना भी चाहिए कि मुहूर्त सही है कि नहीं है। और विडंबना हमारे देश किया है कि यदि कोई मुहूर्त को लेकर प्रश्न उठाया तो इसका उत्तर धर्माचार्यों को देना चाहिए, न कि नेताओं को देना चाहिए। नेता इस बात का ज्यादा प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जिसने मुहूर्त निकाला है श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा का, वो पूरे भारत के बड़े निष्णात और बड़े जाने माने सबसे सुयोग्य मुहूर्त वेत्ता है। उनका नाम है श्री गणेश्वर द्राविड़ जी। जिन्होंने इस मुहूर्त पर प्रश्न उठाया था, पंचांग के 5 अंग होते हैं, जोग, लगन, ग्रह, वार, तिथि। उन्होंने पांचों की शुद्धि बताई है, और यह भी बता दिया उन्होंने स्पष्ट करके, उन्होंने एक, आप देखे होंगे ट्विटर पे भी काफी वो इस समय ट्रेंड में रहा है, तो उन्होंने उसका मुहूर्त का लिख करके दिया है, और यह बताया है कि 2026 तक इतना सुंदर मुहूर्त नहीं है। तो आपके चैनल से यह भ्रम निश्चित रूप से दूर हो जाना चाहिए कि इतना सुंदर मुहूर्त आने वाले समय में 2026 तक नहीं है। तो देखिए, मैं इतना सुंदर मुहूर्त, यहाँ रत्नेश जी ने साफ कह दिया कि इससे शुभ मुहूर्त हो नहीं सकता, यानी 22 तारीख जो है उससे सुंदर, उससे शुभ मुहूर्त नहीं हो सकता। आपने ये बात कही है, जी जोग में दोष है जी, और मुहूर्तों में लगन में दोष है, किसी में तिथि में दोष है, किसी में व्यतिपात योग आ जा रहा है, सारे विचार करने के बाद सबसे शुद्ध मुहूर्त है। देखिए, वैसे मौका नहीं है क्योंकि सब कुछ शुभ हो रहा है, लेकिन फिर भी जब ऐसी आवाजें उठती हैं दिवाकराचार्य जी, तो उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? आवाज ये भी उठी कि जब वो विवादित ढांचा गिरा तो वहां 2 खिलौने रख दिए गए, और ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, चुनावों से जोड़ा जा रहा है, उनको क्या कहना चाहेंगे? वो तो उसके पात्र भी नहीं है कि उनसे कुछ कहा जाए।
जिन्होंने स्वयं राम पर राजनीति की हो, भगवान राम सेतु पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए हो, राम को झुठलाने का काम किया हो, राम को अपशब्दों से प्रयोग करके अपशब्दित शब्द बोलते हो, उनसे मुझे लगता है मिथ्या ही है कुछ कहना। जनता ने उन्हें बताया है कहकर उन्हें हटाया है, वो जहां स्थापित थे वहां से उखाड़ फेंका है जनता ने, और उनके लिए ये बहुत अच्छा जवाब है। कुछ लोगों को निमंत्रण पत्र मिला है, उनसे मैं भी निवेदन करता हूं अयोध्या नगरी से कि आप 22 को आइए, अन्यथा आप 24 को नहीं आएंगे, उसके बाद फिर 29 को नहीं आएंगे, ये डेट बढ़ती रहेगी। और चूंकि राम मंदिर एक ऐसा मंदिर है, सनातन संस्कृति के आस्था का ये जीर्णोद्धार हो रहा है, जिसके लिए 500 वर्षों तक संघर्ष हुआ है, अगर राम मंदिर धर्म से कोई राजनीति कर रहा है तो मुझे लगता है कि राम के नाम पर 500 वर्षों तक वोट दी जानी चाहिए और इनको 500 वर्षों तक उपेक्षित रखा जाना चाहिए, जिन्होंने हमारे राम को टेंट में रखने का काम किया था। जो आप आचार्य संत महंतों से बढ़कर कौन ये बात कह सकता है, जो नहीं आ पा रहे हैं या जो नहीं आ रहे हैं, मैं ये कहना चाहूंगा, जो कह रहे हैं कि जिनको न्योता गया और वो नहीं आ रहे हैं, वो क्या खो रहे हैं यहाँ ना आकर? क्या कह, हम नहीं समझ पाए। जो नेता यहाँ न्योता मिलने के बाद भी नहीं आ रहे हैं, वो यहाँ ना आकर क्या खो रहे हैं? खो नहीं रहे हैं, देखिए, एक तो न्योता दिया जा रहा है आने के लिए, आइए जाइए जो भी है, लेकिन बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोग अवश्य देखिए देखन जोग। ये जनकपुर के प्रसंग है, लेकिन अब अयोध्या में आकर के सीता जी तो जनकपुर से अयोध्या आ गई, तो यह देखने के योग्य है, भगवान के दर्शन करने के योग्य है, नहीं आए उनका दुर्भाग्य है, जो आज वो सौभाग्य है। सभी जनता को इन्हें तुमको न्योता दिया तुम ही आओ, जो न्योता नहीं दिया वो ना आवे, ऐसा बात कहना भी एक प्रकार का गलत है। ये आत्मा के विषय, आत्मा और परमात्मा और भगवान से कोई नेवता के लिए बहुत बड़ा जरूरी नहीं है। आप तो में आकर दर्शन करिए, कौन रुकता है? इसलिए नेवता के बना करके बहाना कि हमारा नेवता नहीं दिए तो हम नहीं आए, हमारा नेवता यहाँ पर कौन क्या कर रिश्तेदार बैठा कि नेवता देगा तुमको, या तो भगवान नेवता दे, हनुमान जी नेवता दे, सब जन आइए। तो चलिए, आपने समझा दिया कि जो नहीं आ रहे हैं वो क्या खो रहे हैं। दिवाकराचार्य जी, रत्नेश जी, धर्मदास जी, जगतगुरु धराचार्य जी, आप यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का यहाँ पे आने के लिए, धन्यवाद। और यहाँ हम न्यूज 18 इंडिया पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर। किसको जरूरत है? माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थ पति आवो सब कोई। तीर्थराज प्रयागराज का जिक्र कर रहे हैं।